हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को आज निजात मिल गई है। शिमला सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से लोग गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना पहले ही जता दी गई थी। ताजा बारिश से राजधानी शिमला का मौसम काफी सुहावना हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 21 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। इस दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में वृद्धि हुई है और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। ऊना में बीते कल 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में जो टेम्परेचर हैं डे के वो ग्रेजुअली राइज किए हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया 41 डिग्री सेल्सियस। वहीं शिमला की बात करें वहाँ 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सोलन में तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और मनाली में 25.2 डिग्री सेल्सियस। लगभग पूरे प्रदेश में ही जो डे टेम्परेचर वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं 1 से 2 डिग्री। और आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए, आज लेट नाइट या कल अर्ली मॉर्निंग से प्रदेश में एक एक्टिव डब्ल्यूडी अप्रोच कर रहा है और इसके चलते 18 तारीख से पूरे प्रदेश में ही मौसम खराब रहने की संभावना है। और ये जो स्पेल है, देखिए 18 और 19 तारीख को पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे चंबा है, लोहा सिटी, किन्नौर है, इनके हाई रीजन में स्नोफॉल भी हो सकती है। और ये जो स्पेल है देखिए, ये 20 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। और इसी दौरान देखिए 18-19 तारीख को कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है भारी बारिश का। वो डिस्ट्रिक्ट जैसे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर, शिमला है। और जो हमारे प्लेन और जो मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ कुछ एक स्थानों में इसी दौरान ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। फिर 21 तारीख की शाम से थोड़ी वेदर में थोड़ी कमी आने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।